नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैरायटी लर्निंग विद एमके यूट्यूब चैनल पर। गाइस देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के बारे में। जैसा कि हम हर रोज़ वीडियो में जान रहे हैं इतिहास के बारे में, ये वीडियो आपको 9 बजे रोजाना होती है, शाम को 9 बजे रोजाना होती है। तो 9 बजे आप चैनल पर आ जाया करें, हर रोज़ 9 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता है, पहुँचता रहे। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और हर प्रश्न का आंसर आप देते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, इस पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बगैस कौन था ये? तो ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे, स्पीड के साथ आंसर देंगे सारे बच्चे। चलिए आंसर इसका दीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बता दो। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फटाफट से आंसर बताओ, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फटाफट से एक बार आंसर बता दो, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गाइस देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो कौन सा गवर्नर जनरल था वो, कौन सा था गाइस? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन आप करते जाएंगे सारे, और सारे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देते जाइए। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन नीरज को देखो, स्पीड से जानेंगे, स्पीड से जानेंगे गाइस। बताइए, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? निम्न में से कौन सा है जो आपका भारत का पहला वायसराय थे? फटाफट से बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो गाइस देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो सभी को? लॉर्ड कैनिंग एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? सभी बच्चे बताएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? सारे बच्चे आंसर बताएंगे, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, डॉक्टर ऑफ लैब्स किसने प्रारंभ किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने प्रारंभ किया? तो कह सकते हड़प नीति जो स्टार्ट की थी वो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने एकदम की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, यही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में फुर्ती से दे दो, फटाफट से इसका आंसर दे दो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, घुमाया गया, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? जल्दी से बता दो, कौन सा भारतीय राज्य था जिस पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कह सकते इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब पर ये अपनाया नहीं गया था। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे सारे बच्चे, टेलीग्राफ लाइन, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? जो टेलीफोन की लाइन थी उसको सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया था? सारे बच्चे आंसर देंगे इसका। तो गाइस देखिए, कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा। कहाँ पे? कलकत्ता से आगरा। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सॉरी, वायसराय। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? सारे बच्चे आंसर बता दो, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो गाइस देखिए, भारत का जो अंतिम वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? भारत जो स्वतंत्र हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो गाइस देखिए, उस समय वायसराय कौन था आपका? जैसा कि सभी जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट से आंसर देंगे। तो देखिए गाइस, भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? सी राजगोपालाचारी। क्लियर हो गया ना? सी राजगोपालाचारी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में आपका ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी ना हो तो क्या होगा? फिर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। यदि ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे सारे बच्चे,
इसका आंसर बताओ, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? बी आर अम्बेडकर था, सी राजगोपालाचारी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन था? क्या होगा इसका राइट आंसर? सारे बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो गाइस सारे बच्चे बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सारे बच्चे आंसर देंगे, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? जल्दी से बता दो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। क्लियर होगा सभी को? सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत रहने वाले लोगों के संबंध में? कौन सा सही हो जाएगा? जो अविभाजित पंजाब प्रांत में जो लोग रहते थे उनके संबंध में बताना है, कौन सा सही हो जाएगा? तो गाइस देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि सुधार। क्या हो जाएगा? कृषि सुधार। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, इसको देखो। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? जब आपका लॉर्ड कर्जन वायसराय था उसके दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? फर्ती से आंसर देंगे सारे बच्चे। तो देखिए इसका सही आंसर, सिंपल आंसर है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है ना, ये लॉर्ड डफरिन के समय में इसकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुई थी। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। क्लियर हो गया ना? चलेगा इसका अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था इसको पारित किसने किया था? सारे बच्चे एक बार आंसर बता देंगे, किसने पारित किया था इसको? तो गाइस देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था इसको पारित करने वाला कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, इस क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम यानी 1904 के पारित होने के दौरान भारत का वायसराय कौन थे? फुर्ती चांस देंगे सारे बच्चे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, उस समय कौन था आपका? लॉर्ड कर्जन था। अभी क्वेश्चन क्या था? सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें सन बढ़ा दी है आपका, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो सारे बच्चे, इसका आंसर को देखेंगे। निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रामी कौन था? स्थानीय स्वशासन का अग्रामी कौन था? सारे बच्चे बताएंगे, किसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की? तो गाइस वो किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी 1882 ईस्वी में। क्लियर हो गए? लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसकी स्थापना की थी, इसकी शुरुआत की थी स्थानीय स्वशासन की। क्लियर? चलिएगा इसे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो गाइस देखिए, जैसा कि अभी हमने किया था, किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, क्वेश्चन सही वही है। इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, एग्जाम में घुमा सकता है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में। क्लियर हो गया गाइस? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर देंगे सारे बच्चे। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? जल्दी से बता दो, भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल से यात्रा शुरू की गई थी? जल्दी बता दो, रेल यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? तो गाइस ये कहाँ से की गई थी? मुंबई से। कहाँ से की गई थी? बम्बई से। क्लियर हो गया ना? बम्बई से इसकी शुरुआत वो की गई थी पहली बार। चलिएगा इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, इसको देखेंगे सारे बच्चे। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? फटाफट से सारे बच्चे हम बता देंगे, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके द्वारा किसको स्थापित किया गया? तो गाइस किसको किया गया था? नियंत्रण बोर्ड को। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। चलिएगा इसे अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे सारे बच्चे। नोट्स तैयार करते जाओ, सारे बच्चे नोट्स तैयार करते जाओ। इसका आंसर बता दो, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से आंसर देंगे। तो गाइस देखिए, उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कलकत्ता में, किसके द्वारा हुई थी? वो आपका 1773 का विनियामक अधिनियम था उसके द्वारा। ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 1773 का जो विनियामक अधिनियम था इसके दौरान आपकी इसकी स्थापना की गई थी इसके द्वारा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, इसको देखो सारे बच्चे। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? जल्दी से बता दो, चीन से बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। तो वो कौन सा एक्ट था आपका? चार्टर एक्ट 1833। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? चलिएगा अगले क्वेश्चन चलते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस पर थ्योरी बेसिस भी आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है ना, थ्योरी बेसिस भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी, जल्दी से बता दो किसके द्वारा हुई थी। तो गाइस देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में वो किसके द्वारा हुई थी, तो 1909 के जो आपको मिलने मांटो सुधार था उसके द्वारा की थी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार। क्लियर हो गया, 1909 के जो आपका मिंटो मार्ले सुधार है ना उसके द्वारा हुआ था। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको देखो सारे बच्चे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, जल्दी से बताओ किसके द्वारा की गई थी। तो गाइस जैसा कि अभी किया था ना, किसके द्वारा की गई थी, 1935 के द्वारा। अभी अधिनियम के बारे में पढ़ा था ना हमने, 1909 के में मार्टे मिंटो पत्र पढ़ा था, उसके बाद इस पर आ जाओ तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब की गई थी, तो 1935 पे की गई थी। क्लियर हो गया ना, क्लियर होगा सभी को, नहीं हुआ गया। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे सारे बच्चे। इसका अर्थ बताओ, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी, जल्दी बता दो किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की विशेषता थी, जल्दी से बता दो क्या थी वो, 1935 वाला क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 1935। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे सारे बच्चे। 1919 का जो अधिनियम था उसमें दो शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे, कौन थे गाइस वो, फटाफट से आंसर बताएंगे कौन थे वो, तो वो आपके मॉन्टेग्यू थे। कौन सा, मॉन्टेग्यू। क्लियर हो गया ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू हुआ, जल्दी बता दो द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, तो किसके द्वारा लागू किया गया था ये, तो ये आपका देखिए 1919 का जो एक्ट था उसके द्वारा ये लागू किया गया था द्वैत शासन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। चलिएगा इसको अगले क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखेंगे सारे बच्चे। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया था, तो गाइस देखिए इसका जो किया गया था वो किसके द्वारा, ड्यूक ऑफ कैरनॉट, किसके द्वारा, ड्यूक ऑफ कैरनॉट द्वारा। क्लियर हो गया सभी को, ऑप्शन से एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूक ऑफ कैरनॉट द्वारा इसका आरंभ किया गया था। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे सारे बच्चे। रॉयल एक्ट 1919 के किसके शासनकाल में लागू किया गया था, जो रॉयल एक्ट था 1919 का ये किसके शासनकाल में लागू किया गया था, तो गाइस देखिए सबको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये काफ़ी फेमस रहा है, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून, जिसको काला कानून भी कहा गया था, क्या कहा गया था, काला कानून कहा गया था। क्लियर हो गया ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको देखो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, भारत अधिनियम एक्ट जो था 1935, ये किस पर आधारित था, तो गाइस किस पर आधारित था ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा साइमन कमीशन पर। किस पर आधारित था, साइमन कमीशन पर पूरा आधारित था। क्लियर हो गया ना, साइमन कमीशन ने ही यह एक्ट आपका बनाया था। भारत में जो साइमन कमीशन आया था वो किसके लिए आया था, 1935 में भारत के लिए संविधान बनाने के लिए। क्लियर हुआ, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन जानते हैं, इसको देखो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। उसके बाद लेकिन जो संविधान बना था वो कब बना था, 1946 में जो आपका आया था कैबिनेट मिशन उसके द्वारा। क्लियर हुआ सभी को, चलिए इसका आंसर बता दो। लेकिन जो अधिकतर आपका लिया गया, जो अधिकतर संविधान है वो किस पर आधारित है, 1935 पर ही आधारित है। इसका आंसर बता दो, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी, जल्दी से बताएंगे, तो गाइस अभी जैसा कि मैंने बताया था क्या, 1946 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1946 हो जाएगा एकदम सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था, जल्दी बता दो। मांडले जो भेजा गया था, ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था ना आपको, कल क्वेश्चन कराया था वही क्वेश्चन है आपका, तो कब भेजा गया था, तो गाइस देखिए 1907 ईस्वी में, कब भेजा गया था, 1907 ईस्वी में उनको मांडले भेज दिया गया था गिरफ्तार करके। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था दादा भाई नौरोजी के अनुसार, तो गाइस देखिए स्वशासन क्या था, स्वशासन स्वराज का अंतर था। क्लियर हो गया ना, स्वराज का अर्थ क्या था आपका, स्वशासन था। आई होप वीडियो सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। चलिए गाइस तो अगली वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सभी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।